डेहरीवाल गौशाला में होली उत्सव का आयोजन नीलम सैनी और मन महेश बिल्ला की देखरेख में किया गया, जिसकी विशेष रूप से रंजना महाजन उपस्थित हुई, जिन्होंने राधा कृष्ण को साक्ष्य मानकर होली मनाई और इस दिन की शुभकामनाएं भी दी। डेहरीवाल गौशाला में श्री राधा बल्लभ की होली का उत्सव चल रहा है। सबसे पहले मैं सभी शहरवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और श्री कृष्ण भगवान जी ये होली सबके लिए मंगल में लाए, वो सबको खुशियाँ दें। आज यहाँ पर कीर्तन भी किया गया और जितनी भी जहाँ संगत आई थी उन्होंने बहुत ही आनंद उठाया। मैं सभी शहरवासियों से यही अपील करती हूँ कि वो पहली बार गौशाला में आते रहें और यहाँ पर गौ माता की सेवा करें और ठाकुर जी का और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त। आज मैं अपने ठाकुर जी को ये इतना धन्यवाद दे रही हूँ कि जो हमने 2010 में चौरासी कोस की परिक्रमा के समय ये संकल्प लिया था कि हम गौशाला का निर्माण करेंगे और गौ माता की सेवा करेंगे, तो आज वो सपना हमारी डेहरीवाल गौशाला में पूरा हो गया। बल बांग के आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि आज डेहरीवाल गौशाला में राधा वल्लभ संकीर्तन की ओर से आज होली के उपलक्ष में बहुत ही अच्छा जो संकीर्तन विपन जी की आवाज में किया गया और इतना आनंद आया कि जैसे समझो कि वृंदावन ही आज डेहरीवाल में बन गया। खुद बांके बिहारी राधा रानी जी खुद चलकर आगे ही यहाँ विराजमान और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि आज होली खुद उन्होंने आकर वृंदावन से डेहरीवाल गौशाला में आकर खेलिए गैया मैया और सभी भक्तजनों के साथ। सौ शहरवासियों से सभी से मेरा निवेदन है कि डेहरीवाल गौशाला में 700 से ज्यादा गौ वंश गौधन है, कृपा करके एक बार जरूर आकर गौशाला में देखें कि कैसे गौ माता पढ़ रही है, गौ माता को कैसे लालन पालन, खुद गौ माता बांके बिहारी जी खुद आकर यहाँ लालन पालन कर रहे हैं गौ माता का। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।